फिर अगली सीरीज शायद हो सकता है हाफ सीरीज हो जाए कोई या शॉर्ट सीरीज हो जाए। समाधि पाला बोले कि आलमी क्रिकेट में पाकिस्तान का बड़ा किरदार है, किसी को खेल में अकेला नहीं करना चाहते, पाकिस्तान को सपोर्ट करने आए हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल देखने के बाद ही आने का फैसला किया। Encouragement region to play more games and more meetings in Lahore and other cities if possible one day, and Pakistan is a big brother whom we can't leave away from the world. हमारे पास जो भी इख्तियार थे, जो भी वसाइल थे, हमने आवाम को डिलीवर नहीं किया, यही पार्टी छोड़ने की वजह है। कोई दबाव या जमीर की खलिश, एमकेएम के अरशद वोरा भी पीएसपी को प्यारे हो गए। कहते हैं हम आवाम के मुजरिम हैं, कराची वालों को कुछ भी डिलीवर नहीं किया, शमूलियत पर कोई दबाव नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम का सामना करूंगा। काउंसिल के तमाम मेंबरान समेत सब एक एक करके पीएसपी में आएंगे। सत्तार साहब, मैं उनसे कहता हूं कि आपने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आप में इखलाकी जरूरत है तो आज के बाद अपने तमाम कौमी और सूबाई और सेनेट के मेंबरान से इस्तीफा दिलाएं। एमक्यूएम सेनेट कौमी और सूबाई असेंबलियों से मुस्तफी हो, फारूक सत्तार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अब उस पर अमल भी करें। पीएसपी रहनुमा अनीस कायम खानी का मुतालिबा, कहा कि अब अगर कराची में इलेक्शन हुआ तो पीएसपी भरपूर शिरकत करेगी। अरशद वोरा भाई परेशान थे, हमारे अच्छे साथी हैं, मैं तो आज भी कहता हूं अनीस कायम खानी भाई से इल्तिजा आमेज दरख्वास्त करूंगा कि वो अरशद वोरा भाई का ख्याल रखें। हम उनकी परेशानियों को दूर नहीं कर सके थे, वो उनकी परेशानियों को दूर करें, उनका केस ख़त्म कराने में उनकी मदद। आज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कायम हूं, लेकिन इसकी तशरीह भी मेरी होनी चाहिए। अरशद वोरा मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आने पर परेशान थे, अनीस भाई से इल्तिजा है अरशद वोरा पर केसेस खत्म करा दें। फारूक सत्तार का जवाब, बोले केसेस खत्म होने पर अरशद भाई वापस आना चाहें तो हमारे दरवाजे खुले हैं। ये तो माफिया ने इस मुल्क को जितना लूटा, जितना नुकसान पहुंचाया है, मैं आपको दावे से कहता हूं कोई दुश्मन इस मुल्क को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जो इन्होंने पहुंचाया। कप्तान के पीपी और नून लीग पर ताक ताक कर वार, उजैर बलोच के इंकशाफात ने हैरान कर दिया। क्या सियासतदान कत्लो गारत करवाते हैं? कहा कि शरीफ माफिया 30 साल से पंजाब पर काबिज है, ये पाकिस्तान के मीर जाफर और मीर सादिक है। कप्तान के वजीर आला पंजाब पर भी वार, कहा कि खादिमे आला जेल से तो बच गया, उसे हिंदुस्तान फिल्मों में काम करने के लिए भेजेंगे। खुर्शीद शाह के कप्तान पर तंज के निश्तर, बोले सोच समझकर बात करनी चाहिए, पहले कहते थे माफी नहीं मांगूंगा, थोड़ी सी चाबी घूमी तो हाथ जोड़ दिए। नवाज शरीफ पर भी तनकीद, कहा मियां साहब आप नाअहल हो चुके, अदालत का फैसला मान लें। लंदन फिर पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया, वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी बरतानवी दारुलहुकूमत पहुंच गए। कुलसूम नवाज की आयादत और नवाज शरीफ से मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्यालात करेंगे। शहबाज शरीफ भी बैरून मुल्क रवाना। टेक्नोक्रेट हुकूमत की आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, वजीर आजम ने वाजे कर दिया। बोले नून लीग में कोई इख्तिलाफ नहीं, इदारों में टकराव सिर्फ टीवी पर नजर आता है। कहा कि जद्दा से किसी एनआरओ के हवाले से कोई इत्तला नहीं, जब तक पार्टी चाहेगी नवाज शरीफ सदर रहेंगे। सिराजुल हक का फिर एहतसाब का मुतालिबा, कहा जिसने पाकिस्तान को 70 साल से लूटा वो आज पैनामा केस में फंस गया, पैनामा वालों का अंजाम अडयाला जेल होगा। आयशा गुलालई की मुबैना करप्शन का पर्दा चाक करने वाला और फखर नूर जमान कत्ल, खातून रुकन के साबिक पर्सनल असिस्टेंट को लकी मरवत में उनके घर के बाहर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कत्ल का मुकदमा 4 नामजद मुलजमान के खिलाफ दर्ज, पुलिस ने वाकये को जाती दुश्मनी करार दे दिया। पेशावर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम,
तख्ताबाद रोड से कलदम तंजीम के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने 2 बम नाकारा बना दिए। निजी स्कूलों की फीसों में मनमाना इजाफा नामंजूर। कराची में ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन के तहत सीवीयू पर एहतजाज। रैली में मेयर कराची और सियासी रहनुमा भी शरीक हुए। तनख्वाहें न मिलने पर सड़कों पर आने का फैसला। स्टील मिल्स मुलाजिमीन का पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने का ऐलान। 3 नवंबर को कराची से ट्रेन मार्च इस्लामाबाद रवाना होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला बांडीपुरा में आज भी 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज फौज के मजालिम के खिलाफ मुजाहिरे। पाकिस्तान मोटर रैली क्वेटा से पंजगोर पहुंच गई। शुरका का पुरतपाक इस्तकबाल। रैली कल तुरबत रवाना होगी। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा पर एक बार फिर समंदरी तूफान की यलगार। तूफान फिलिप के बाइस तेज हवाएं और बारिशें। 40 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने नई मसरूफियत ढूंढ ली। इलिनॉय की अदालत में ज्यूरी के फराइज अंजाम देंगे। क्रिकेट की दुनिया में आज एक तारीखी दिन है, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट का सिलसिला जहां से टूटा था आज वहीं से जुड़ गया है। 2009 में पाकिस्तान का दौरा अधूरा छोड़कर जाने वाली श्रीलंकन टीम एक बार फिर पाकिस्तान की मेहमान बन गई है। श्रीलंका की आमद से खौफ और दहशत को शिकस्त हुई है और जीत हुई है क्रिकेट की, क्योंकि कदाफी स्टेडियम में इस वक्त रंगो नूर का समा है। हाउस फुल जारी है। हर शॉट पर हर बॉल पर नारे दादो तहसीन और तालियां गूंजती दिखाई देती हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट को तरसी पाकिस्तानी आवाम। आज हमारे आवाम की ईद हो चुकी है, क्योंकि हमारे लोग तरस गए थे कि कब यहाँ पर बड़े बड़े नाम आएंगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे, इंटरनेशनल टीम्स आएंगी, और अब ये टीम्स आ चुकी हैं और वो घड़ियाँ आ चुकी हैं जिसका इतने सालों से, गुज़िश्ता 8 सालों से इंतजार किया जा रहा था। ये सब खुशियाँ मुबारक हों सबको, ये खुशियाँ मुबारक हों। श्रीलंकन टीम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, उसको पाकिस्तान की जानिब से वेलकम किया गया और पाकिस्तानियों ने अपनी मेहमान नवाजी से श्रीलंकन्स को भरपूर मुतासिर किया। आपको दिखाया, आपको अपडेट भी करते रहेंगे, लेकिन मैच के बाद अब कुछ जिक्र कर लेते हैं कप्तान का। हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान की, जो एक बार फिर मुखालिफिन पर बरस पड़े। मंडी बाहुदी में जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि 30 सालों में 2 माफियाओं ने सियासत के नाम पर मुल्क को लूटा। नैब के मगरमच्छों को सिर्फ मैं ही पकड़ सकता हूँ। शहबाज शरीफ जेल से बच गए तो उन्हें हिंदुस्तान भेजेंगे, जहाँ वो फिल्मों में बेहतरीन काम करेंगे। इमरान खान ने अपने मुखालिफिन पर भरपूर वार किए। इतना बड़ा ड्रामा खात्मे आलम मैंने जिंदगी में कोई ड्रामा नहीं देखा। अगर ये जेल से बच गया तो इसको हिंदुस्तान भेजो, ये फिल्मों में एक्टिंग करे, क्या ड्रामे करता है। अगर 6 महीने में बिजली खत्म ना, लोड शेडिंग खत्म ना हुई, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। बदलो जरा इसका नाम, क्या रखें, शहबाज शरीफ। बॉलीवुड चला जाए जबरदस्त, बड़ा अच्छा विलन बनेगा। क्यों निकाला नहीं बताओ ना, निकाला क्यों, बेचारे मजलूम और मासूम को क्यों निकाला। इसलिए निकाला कि आपने 30 साल इस कौम का पैसा लूटा। क्या नवाज शरीफ रोकेगा और क्या मुल्क की बड़ी बीमारी जरदारी लेके आएगा। अल्लाह ने लगता है ये मुश्किल काम मेरे से ही लेना है। शहबाज शरीफ के ऊपर केस है कि इसने नाम दिए और पुलिस ने मुकाबले में मारे। जमहूरियत में ऐसे नहीं होता, ये माफिया करता है। हमारा मुकाबला ये सियासतदानों से नहीं है, ये माफिया के साथ है। उज़ैर बलोच ने इंकशाफात किए, JIT की रिपोर्ट पब्लिक के सामने लेके आए। आसिफ जरदारी के कहने पे उसने लोगों को कत्ल करवाया, बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया। तो वहां एक शहनशाह था, उसका गार्ड। तो उज़ैर बलोच कहता है कि मैंने पीपल्स पार्टी की क्यादत के कहने पे शहनशाह को कत्ल किया। ये तो माफिया ने इस मुल्क को जितना लूटा, जितना नुकसान पहुंचाया,
मैं आपको दावे से कहता हूं, कोई दुश्मन इस मुल्क को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जो इन्होंने पहुंचाया। इमरान खान की बातें तो आपने सुनी, लेकिन कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ खुर्शीद शाह कहते हैं कि सियासतदानों को बात करने से कबल सोचना चाहिए। पहले कहते थे कि इलेक्शन कमीशन से माफ़ी नहीं मांगूंगा, थोड़ी सी चाबी घूमी तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। सखर में अवामी इज्तिमा से खिताब में खुर्शीद शाह ने नवाज शरीफ को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मियाँ साहब आप ना अहल हो चुके, अदालत का फैसला मान लें और इदारों में टकराव होता रहा तो मुल्की इस्तेहकाम को खतरात लाहक हो जाएंगे। पहले मानते नहीं, पहले कहते नहीं, कभी सोचते नहीं, जाने कहते माफ कर दो, माफ कर दो। आज थोड़ी सी चाबी ऐसे घूमती है, ऐसे माफ कर, माफ कर, माफ कर। आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप मान लो, आप खुद कहते दुनिया साहब कि फैसला मान लो, ये तो मेरा किया नहीं, बड़ी अदालतों को फैसला मानना पड़ेगा, तुझे जाना पड़ेगा। जब तरीन पर आ गई तो तुझे भी जाना चाहता, बहस करने की क्या जरूरत है, लड़ाई करने की क्या जरूरत है, झगड़ा करने की क्या जरूरत है, गालियां देने की क्या जरूरत है, बुरा भला कहने की क्या जरूरत है। मेरा साहब आलम गलोच सियासत होती रही, अदारों से भागते रहे, अदारों के टकराव होते रहे, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत खतरनाक बात है उनकी सॉवरेंटी के लिए। तहरीक इंसाफ की मुनहरिफ रहनुमा आयशा गुल अलई के साबिक असिस्टेंट नूर जमान को लकी मरवत में कत्ल कर दिया गया। नूर जमान ने आयशा गुल अलई पर करप्शन के इल्जाम लगाए थे और उनके खिलाफ सबूत नैब में भी जमा कराए थे। इमरान खान कोई खुदा नहीं है। सीएनडब्ल्यू में बन्नू लिंक रोड सदाखेल 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर रोड 14% पे उसने भेज दिया 1,12,00,000, उसमें से 72 लाख रुपए उसको मिले हैं, उसमें से 47.5 लाख रुपए मेरे हाथ से उसको मिले हैं। रुकने कौमी असेंबली आयशा गुल अलई की मुबैना करप्शन का पर्दा चाक करने वाला नूर जमान कत्ल। पीटीआई की बागी रुकन के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी को लकी मरवत में निशाना बनाया गया। नूर जमान जाती काम से घर से बाहर निकले थे कि गाड़ी में सवार घात लगाए मुलजमान ने उन पर गोलियां बरसा दी। नूर जमान ने आयशा गुल अलई की मुबैना करप्शन के खिलाफ नैब में दरख्वास्त दायर की थी। बन्नू लिंक रोड टू सदाखेल 8 किलोमीटर रोड था, 8 करोड़ रुपया थे, उसमें से उसने 1,12,00,000 का कमीशन लिया। कमीशन के पैसों पे वो उसने डुमेल में जंडा के मकाम पे एक बंगला बनाया हुआ है। कत्ल का मुकदमा नूर जमान के भाई की मदईयत में 4 मुलजमान के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस ने नूर जमान के कत्ल को जाती दुश्मनी का शाखसाना करार देकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। अभी आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान कार रैली के शुरका हजारों किलोमीटर की मुसाफत तय करते हुए क्वेटा से पंजगोर पहुंच गए हैं। शुरका पुरअज़्म है कि रैली से जहां सियाहत को फरोग मिलेगा, वहीं बलोचिस्तान के छुपे हुए नज़ारे भी सामने आएंगे। पाक चीन बॉर्डर खंजराब से चलने वाली कार रैली अपनी आखिरी मंजिल की जानिब रवां दवां है। कोयटा से कारवां जब पंचकोर पहुंचा तो शुरका का शानदार इस्तकबाल किया गया। ढोल की थाप पर भरपूर इस्तकबाल ने तवील सफर की थकान दूर कर दी। चालीस जीपें, 50 मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर मुश्तमिल रैली कल अपनी अगली मंजिल तुर्बत की जानिब रवाना हो जाएगी। कराची में प्राइवेट स्कूलों की जानिब से फीसों में मनमाने इजाफे के खिलाफ इस्पा ने एहतजाजी रैली निकाली। इस रैली में शरीक मेयर कराची ने कहा कि हुकूमत सिंध ने सरकारी स्कूलों को स्टबल में तब्दील कर दिया है। मजीद क्या कुछ कहना था शुरका का, एहसन अब्बासी बताएंगे। ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन की जानिब से सीवीयू पर एहतजाजी वॉक का इनेकाद किया गया। वालदैन ने मुतालबा किया कि इंतजामिया स्कूल फीसों में मन माने इजाफे के खिलाफ हरकत में आए। मैं समझती हूँ कि इससे जो है असर होना चाहिए फीस पर और इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अहम इशू है जिसको कोई उठाता नहीं है, कोई उठाना नहीं चाहता। जिस हिसाब से फीसें बढ़ाई जा रही हैं, अगर आज एक बच्चे की फीस 10,000 है तो वो लेवल तक तो 30-40,000 तक ले जाएगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम रहमान का कहना था कि इस मामले पर तमाम कराची की सियासी जमातें मुत्तफिक हैं कि प्राइवेट स्कूलों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी है
किसी कानून को नहीं मान रहे, किसी जाब्ते को तस्लीम नहीं कर रहे, और एक वाजे तौर पर जब कानून मौजूद है कि 5% से ज़्यादा ये फीसों में इंक्रीज़ नहीं कर सकते, तो फिर ये कैसे फी बढ़ रही है। एहतजाजी वॉक में शरीक मेयर कराची का कहना था कि सिंध हुकूमत की नाअहली के बायस स्कूल अस्तबल में तब्दील हो गए हैं। मेरे ख्याल में उसका जिक्र करना मेरे नज़र में बेकार है। वहाँ अस्तबल आपने खुद कह दिया और टीचर्स वहाँ जाते नहीं हैं। वो मेयार जो तालीम का है वो सब हम जानते हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमत को तालीम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, हेल्थ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। स्कूल फीसों में 5% इजाफे का कानून पास होने के बावजूद प्राइवेट स्कूल इंतजामिया की हर धर्मी हुकूमत सिंध की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। एहसन अब्बासी, आज न्यूज़ कराची।